जय श्री राम। तो भाई आज है 10 अगस्त और सुबह के बज चुके 7। मैं उठ गया था 6:30 बजे करीब, 6:30 बजे। तो पहले तो मैं 5:30 बजे उठ गया था, उसके बाद मैं दोबारा सो गया था, क्योंकि सोया भी कितने बजे, रात सोया मैं क्या, 11:30 बजे के करीब। तो चाय बन गई, चाय पीते अब वहाँ बैठ के। तो बाकी आज की दिनचर्या कुछ इस तरह से शुरू हो गई है, मुँह धुला मैंने और आ चुका हूँ दोबारा से। बाकी खड़ा उठने का मन नहीं कर रहा है और पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो रखा है थकान से, और मुझे लगता है एक बार नहाना पड़ेगा, 2 दिन हो गए नहाया नहीं मैं। तो चाय मार, माँ जी ने दे दी चाय, चाय पी कर बाद में देखता आगे कॉलेज जाऊंगा कि कंप्यूटर सेक्टर, पता नहीं। तो मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं कंप्यूटर क्लास। तो मिलते सीधा शाम को वर्कआउट कर दे, दोपहर को घर आते हुए उसके बाद देखेंगे। तो बाकी भी चलते छोड़ो, तो मिलेंगे सर कॉलेज के भी, कॉलेज भी दिखाऊंगा मैं आज। मैं निकल चुका हूँ घर से और मैं आ चुका हूँ मारन चौक पर। तो भाई सामान लेने के लिए रह रखा है अभी बहुत सारी चीज़ें, और साथ में भाई कैश बिल्कुल नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो पहले दीपक भाई से कैश लेंगे, दीपक भाई मतलब वो भाई है जिसके साथ मैंने जियो पर मतलब रिलायंस पेट्रोल पंप पर काम किया। तो भाई को मैंने बोल दिया था पहले ही कि भाई थोड़ा बहुत पैसा चाहिए अपने को, तो अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पे। तो बाकी मिलते हैं सामान क्या क्या लिया ये देखते हैं, और पहले दुकान पे चलते हैं। ठीक है भाई मिलते हैं सीधा आगे। पापा का कॉल आ रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है पसीने से, 2 से 3 किलोमीटर पैदल आया हूँ और हाथ में कम से कम 15 से 10 किलो का वेट। पूरी सर हो लगी पूरी गीली, जहाँ तक पैदल हमको नहाना पड़ेगा यार, नहाऊंगा खिचड़ी बना रहे क्या आज। तो शाम को मिलते सीधा नहाता हूँ यार, लाइट आ गई भाई, लड्डू ला रहे कि मेरे फेवरेट है, केले भी लाए मैं सुबह सुबह। मैं नाश्ते से पहले केला करना चाहता, मटर खाना चाहता हूँ, और जिससे हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो होता है। मैं तो सो गया भाई, थक गया। नाश्ता करता हूँ भाई, कॉलेज चलता हूँ यार। फाइनली शाम के 6 बजने वाले और हम जा रहे हैं मार्केट सामान के लिए, मैं और मेरी माँ। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यूज़ है शाम का। तो बाकी मिलते हैं सदा पाने वाला मार्केट पे। जय भोले बाबा, ये शिव जी का मंदिर। पाने वाला जाते समय दीवाल दुकान बंद पता नहीं कथा बार दिखे, अचूर का सेक बना रहे हम। हाँ
भाई मैं आ चुका हूँ घर के अंदर, घर के अंदर ही घर। तो वहाँ के टाइम हो चुका है अभी 8:30 होने वाले, काफ़ी टाइम हो गया हमको। मतलब कितने बजे गए थे? 7 बजे 6 बजे भाई 6 बजे गए थे, वहाँ 4 बजे गए थे पता नहीं। तो बाकी फिलहाल हमने पढ़ाई वगैरह छोटा मोटा सामान भी लाया, दवा भी लाया, हेलो तो ये सब चीज़ें लाए। बाकी मैं वर्कआउट करता हूँ, सुबह मैंने मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं किया था एप्स का भी। एक सामान है भाई और वर्कआउट करता हूँ मैं स्टार्ट। कौन कौन सा वर्कआउट मैंने किया ये बाद में बताऊँगा वीडियो के एंड में, जब मैं सारा वर्कआउट करता हूँ। कौन कौन सा वर्कआउट मैंने किया एप्स के लिए, चेस्ट के लिए, तो कल देखा होगा कितना पसीना हो रखा था शरीर पे भाई, पूरी बॉडी पे। तो बाकी आज है 11 अगस्त, तो मिलते हैं वर्कआउट करने के बाद। बाकी खाना खुना भी कुछ बनाए नहीं, बाकी यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे लाइट कर लगाएंगे, बल्ब मैंने ला रखा है। तो भाई आज 10 अगस्त है, सॉरी 11 अगस्त से छूट। वर्कआउट कर रहा मैं, उसमें म्यूजिक भी ऐड कर रखा भाई। तो ये एप्स वर्कआउट करने के बाद बॉडी कंडीशन, बाकी माँ ने रोटी बनाई थी, सब्जी बना रही माँ, और ये बॉडी कंडीशन। बाकी आगे एप्स का वर्कआउट मतलब चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद बता रहा बॉडी कंडीशन क्या है। तो भाई नहा गया मैं, वैसे ना खेल मतलब पसीने से ना आ गया, वर्कआउट कर दिया। तो भाई मेरा मतलब जो है आज कितना दिन हो गया मेरे को वर्कआउट कर देते, तो आज शायद है मेरा डे 22 या फिर 23 एप्स और चेस्ट का वर्कआउट करने के, दोनों का वर्कआउट मैंने कर दिया, पसीने से ये हालत है। बाकी कौन कौन सा मैंने वर्कआउट किया वो बताता हूँ, और भाई बॉडी कंडीशन भी दिखाता हूँ वर्कआउट बताने के बाद। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जय बाबा। तो आज की वीडियो तो सबसे पहले नॉर्मल वर्कआउट एप्स के लिए 2 से 3 सेट मारे मैंने 30-30 की। दो सेट 50-50 20 मतलब 50 का रेपिटेशन 2 सेट। ये भी 50 का रेपिटेशन और 2 सेट, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो दूसरा जो है कौन सा कुकी मुर्गी है, ये मैंने मारे 4 सेट 20-20 करके। तो इसका जो काउंटिंग है अलग ही है, जब दोनों को टच करता हूँ मैं इस तरीके से तब एक काउंटिंग गिनता हूँ। तो पुशअप चेस्ट वर्कआउट के लिए तो पुशअप कौन से हैं सबसे पहले नॉर्मल, इस तरह से ये नॉर्मल वाला, उसके बाद फिर हाथ फैला के, तो ये मारता हूँ 20 अटैम्प्ट का सेट
हाथ फैला के मार दूँ 50 50, ऐसे कुछ मार दूँ 15 20 का, तो 3 सेट या फिर 2 सेट रोज के। तो इसके बाद डायमंड पुशअप का, डायमंड पुशअप मार दूँ मैं 2 सेट या फिर 3 सेट 20 20 के। उसके बाद ये वाला इस तरीके से आपको मार दूँ 20 का 2 सेट। इसके बाद जो है कौन सा, इसके बाद है भाई हनुमान डंड इस तरीके से। तो ये मार दो मैं 4 सेट 15 15 के। और ये यहीं पे मेरा वर्कआउट होता कंप्लीट। बाकी यहाँ पे अभी 2 से 3 वो सब जो है आजकल मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ, कल और आज, क्योंकि उससे जो है छत पर आवाज़ करते हैं वो किसी ऐसी जगह पे नीचे, मतलब फील्ड ग्राउंड वगैरह पे जहाँ पे छत ना हो, छत के ऊपर जो आवाज़ होती बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। तो तरीके से पसीना आ रखी है, आ रखा है माँ हंस रही है मेरी, मोदी की हाँ, मतलब जो भी मैं तोतला टाइप का बोल रहा हूँ तो ये भाई वर्कआउट करने के बाद बॉडी कंडीशन माँ भी देख रही है क्या कर रहे हैं, माँ के मोबाइल पे हाथ पता भी नहीं है। तो ये है 20-30 दिन, मतलब 20-22 दिन वर्कआउट करने के बाद बॉडी कंडीशन चेस्ट की और एब्स की। बाकी बाइसेप ट्राइसेप के लिए कोई वर्कआउट में करता नहीं, पसीने से पूरा नहा गया हूँ। तो नहाना तो सुबह ही है, बाकी पसीने से भी नहा गया हूँ, कल है संडे तो भाई रेस्ट। तो मिलते जितना कल की वीडियो में, तो भाई आज है 10 अगस्त। तो वीडियो अपनी वीडियो भाई कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो पर बहुत लाइक सब्सक्राइब करना पता तो माँ नहीं बोल रही कुछ, कोई यहाँ सुना चाहिए मैं रोना चाहिए कभी सब्सक्राइब कर दो ऑर्डर नहीं माने प्लीज भाई कर दो कोई नहीं जो भी है भाई सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियो पसंद आती है तो। ये है भाई बॉडी कंडीशन वर्कआउट करने के बाद, पकड़ आप पसीना। तो रात के 10 बज चुके हैं और मैं पर लगी भूत जगह बैठी, इतना खतरनाक ढंग से वर्कआउट करने लगी एब्स के और चेस्ट के, एब्स और चेस्ट के लिए वर्कआउट। तो पसीना पहुँच ही देता हूँ सबसे पहले तो या को तू नहीं निकल तो आज की वीडियो में इतना मेरे को करके वीडियो जय।